लगता है दैट एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जे एन यू आई जस्ट वॉन्ट टू से इन नो अनक्लियर टर्म्स कि किसी भी संदर्भ में किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वायलेंस जस्टिफाई नहीं होता है. आप उसे किसी भी किस्म का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं बाद में, आप उसे राष्ट्रवाद कह सकते हैं, आप उसे कुछ भी दूसरे इमोशन का नाम दे सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि किसी के ऊपर हाथ उठाना किसी भी नारेबाजी किसी विवाद वाद विवाद की वजह से गलत है. आप अगर किसी को भी किसी भी समाज को में किसी भी ग्रुप को कोई भी मतभेद है वो कॉन्वर्सेशन में डिस्कशन में वाद विवाद में सॉर्ट आउट होना चाहिए. और हम ये अपने देश में बार बार देख रहे हैं. एज एन एक्टर बॉलीवुड आर्टिस्ट होते एंड एज एन आर्टिस्ट हम लोग कॉन्स्टेंटली इस चीज़ के लिए वल्नरेबल हैं. हमने संजय लीला भंसाली से अभी भी एक अटैक देखा है, अब हम ये अटैक देख रहे हैं. तो ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है किसी भी समाज में. अगर इतनी आसानी से आम आदमी एक दूसरे पर आम इंसान एक दूसरे पर वायलेंट हो जाए तो ये पूरे समाज के लिए एक बुरी चीज़ है. इसके अलावा आप उसे जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि वो गलत है.